दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की अगर बात करें तो अब काफ़ी सारी ढेरों अपडेट्स बाहर निकल के रोजाना आती है, जहां आपको बता दें पॉइंट्स टेबल पर नंबर 7 के ऊपर बनी है और काफ़ी प्लानिंग इस जो स्थान है इससे ऊपर उठने की चल रही है। आईपीएल का सीज़न भी कैंसिल हो चुका था, आप सभी जानते हैं, बट इसके बावजूद भी बीसीसीआई काफ़ी ईगरली कराना चाहती है आईपीएल का बचा हुआ सीज़न। विंडो आपको पता चली चुकी है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर की आई है और आज दिन भर में काफ़ी सारी अपडेट टीम केकेआर की तरफ से बाहर निकल के आ रही है और आज मैं आपको टीम केकेआर की टॉप अपडेट्स बताने वाला हूँ। साथ ही आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, एक बोनस अपडेट भी है, तो दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की अगर बात करें तो यहां पर केकेआर की टीम पॉइंट टेबल पर नंबर 7 के ऊपर है, बट इसके बावजूद भी केकेआर काफ़ी अच्छे प्लान्स बना रही है। प्रैक्टिस कैंप भी ये दोस्तों अंदर ही अंदर प्लान कर रहे हैं, हालांकि अभी 1 से 2 महीने तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बट हम आपको सबसे पहले बता देंगे। आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताओ कि बचे हुए आईपीएल सीजन के लिए आप कितना ज़्यादा वेट कर रहे हो। अब तो डेट्स भी आ चुकी है। बात करें टॉप अपडेट्स की तो पहली अपडेट आ रही है केकेआर के ट्वीट को लेकर। दोस्तों, केकेआर का ट्वीट था यहाँ पर कल, उन्होंने ट्वीट किया था कि यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर भारत के जो ओपनर्स हैं उनको फायर पावर जनरेट करनी होगी। अब दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ट्वीट है, बहुत ही नॉर्मल सा ट्वीट है। उन्होंने कहा था कि टॉप ऑर्डर को फायर पावर देनी है, बट इसके अंदर दोस्तों यहाँ केकेआर बहुत बुरी तरह से ट्रॉल हो गया, जहाँ पर उनको लिखा गया कि यहाँ पर केकेआर को दूसरी टीम की, भारतीय टीम की, पूरी दुनिया भर की टीम की टॉप ऑर्डर की फिक्र है, खुद की टीम पूरा फालूदा फैला देती है। तो हाँ दोस्तों, कहने में तो बिल्कुल भी गलत नहीं है कि टीम केकेआर का खुद का टॉप ऑर्डर इतना बेकार है, उनको अगर ध्यान दिया जाए तो आईपीएल जीत सकते हैं। आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताओ कि बचे हुए सीजन के अंदर क्या जो केकेआर का टॉप ऑर्डर है वो सुधर पाएगा। दूसरी अपडेट आ रही है आईपीएल 2021 को लेकर। दोस्तों, आपको बता दें डेट्स यहाँ पर 16 सितंबर या फिर 17 सितंबर हो सकती है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर की विंडो बीसीसीआई दे चुका है आईपीएल के अंदर, यूएई वेन्यू रखा गया है। आपको बता दें बड़ी अपडेट ये है कि केकेआर और आरसीबी का ही पहला मुकाबला होने वाला है। जब से आईपीएल पोस्टपोन हुआ था तभी से आईपीएल वहीं से रिज्यूम होगा, कोई भी चेंज इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हो सकता है दोस्तों कंडीशन बदलने के बाद केकेआर के लिए फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, बट एक जो प्लस पॉइंट केकेआर के लिए है वो ये है कि आरसीबी का जो आईपीएल का सेकंड हाफ का परफॉर्मेंस होता है वो काफ़ी बुरा रहता है, तो इसके चलते यहाँ पर केकेआर जो मुकाबला जीत सकता है और यहाँ पर शुरुआती मुकाबले में जीत के बाद उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताओ कि केकेआर और आरसीबी के दूसरे मुकाबले के अंदर कौन सी टीम जीतने वाली है, केकेआर जीतेगी या फिर आरसीबी जीतेगी। तीसरी अपडेट आ रही है केकेआर की जर्सी को लेकर। अब दोस्तों, केकेआर यहाँ पर अपनी ब्रांड वैल्यू के अंदर भी इंक्रीमेंट कर रहा है, लोगों भी वो बदलाव करेगा, बट आपको बता दें जो अभी की न्यूज़ है वो है कि यहाँ पर एक नई जर्सी लॉन्च हो सकती है। दरअसल दोस्तों, आपको ये चीज़ बता दें कि जो अभी की जर्सी है उसके अंदर बदलाव नहीं होगा, बल्कि एक होम जर्सी और एक अवे जर्सी होगी। जैसे कि सेम केकेआर के पास जो आरसीबी है उसके पास 2 जर्सी हैं, वैसे ही अब केकेआर के पास भी 2 जर्सी होने वाली है। तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताओ कि क्या ये एक अच्छा स्टेप है, केकेआर को भी 2 जर्सी रखनी चाहिए। बोनस अपडेट की बात करें तो आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर काफी टाइम से चल रहा है न्यू प्लेयर को लेकर। यहां पर दोस्तों हो सकता है केकेआर के एक एक्स प्लेयर वापस आपको केकेआर की टीम में ही देखने को मिल जाए और इस प्लेयर का नाम है अली खान। जी हां दोस्तों, अली खान हो सकते हैं कि प्लेयर की शॉर्टेज के चलते केकेआर का हिस्सा फिर से बन जाए। तो यदि टीम केकेआर की टॉप अपडेट्स वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।